सभी भाइयों से ये अपील है, ये जो बैनर आप देख रहे हैं, ये नौजवानों को आप जो देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मेलिटी के लिए बैनर नहीं लगाए जा रहे हैं, बल्कि हमें गफलत की नींद से जगाने के लिए हम यहाँ मौजूद हुए हैं। हम सब ये जानते हैं कि हमारी कौम की बेटियाँ कितनी मुर्तद हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है दीन से दूरी। हमें सबको ज़रूरी है, हमारी अहम जिम्मेदारी है कि हमें अपनी बेटियों की हिफाजत करना है। हम अपने मोहल्ले में, अपने घरों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों अहबाबों में अपने बेटियों की दीन की हिफाजत करें, उन्हें समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें कि किस लिए बेटियाँ मुर्तद हो रही हैं। इनके ये भगवा लव ट्रैप के अंदर में इनकी पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि किस तरीके से मुस्लिम बेटियों को मुर्तद किया जाए, दीन से दूर किया जाए और उनको भगवा लव ट्रैप में दाखिल किया जाए। ये आपको इज्जत से खेला जाए, ये आपकी हमारी सबकी अहम जिम्मेदारी बनती है कि हम बेटियों को मुर्तद होने से बचाएं। और ये बेटियों को मुर्तद होने से बचाने के लिए हमें गफलत की नींद से दूर होना ज़रूरी है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी जिम्मेदारी ये नहीं है कि हम सिर्फ नमाजें पढ़ें, हम सिर्फ खाना खाएं, हम सिर्फ दावत में जाएं। हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि बेटियां जो मुर्तद हो रही है, तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत पर जो हमले किए जा रहे हैं उस पर भी हम बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। वरना मैदान महशर जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमसे सवाल करेंगे कि बताओ कि तुम्हें आँख दी गई थी, तुम्हें हाथ दिए गए थे, तुम्हें कान दिए गए थे, तुम्हें जिस्म सही सलामत दिया गया था, बताओ तुमने हमारी तहफ्फुज़ के लिए क्या किया, तो उस वक्त में हमारे मुंह से जबान जो आवाज़ नहीं निकल पाएंगे कि हमने क्या किया था। आपकी बेटियां मुर्तद हो रही थी, आपने क्या किया था? तो मैदान महशर जब हमसे सवाल किया जाएगा तो सोचो कि हमारा जवाब बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। हम क्या किस मुंह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब्र के इसमें हम चेहरा दिखा पाएंगे? तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जिस्म दिया है, ये ताकत दी है, ये शऊर दिया है, तो हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि हम तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत पर पहरा दें। और तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत पर पहरा देने के लिए ये एक दिन की जिम्मेदारी नहीं है भाई। हज़रत अमीर हमजा का कलेजा चीरा गया, हज़रत बिलाल को तपती रेत पर लिटाया गया, हज़रत इमाम हुसैन को मैदान करबला में शहीद किया गया। तो ये हमें इस्लाम जो हमें मिला है ये आसानी से नहीं मिला है। दीन कुर्बानी मांगता है, तो कुर्बानी करने के लिए भाई हमें कोई जंग लड़ना नहीं है। हमें सिर्फ ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि अपने अंदर में बेदारी पैदा करें, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं वहाँ पर में बेदारी पैदा करें, जो रिश्तेदारों में हम रहते हैं वहाँ पर बेदारी पैदा करें। और तहफ्फुज़ नामूस-ए रिसालत पर पहरा ज़रूर दे, जो बेटियाँ मुर्तद हो रही है उन्हें बचाए, दीन में पर्दा ज़रूर करवाए। माएँ पर्दा करती है लेकिन बेटियाँ पर्दा नहीं करती है, बेटियाँ पर्दा कर रही है तो माएँ पर्दा नहीं कर रही है। और वो बाप को, वो मर्द को दयूस कहा गया है जिस मर्द के अपनी बेटियों की हिफाजत नहीं किया है। और जब बेटियों को पर्दा नहीं करवाते हैं, आप सोचिए तो गैर महरम जो उसे देखता होगा, वो गैर महरम के ज़रिए से वो क्या गलत ख्यालात अपने दिल में लाता होगा। ऐसे लोगों को हदीस शरीफ में है कि दयूस कहा गया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है जितने लोग मौजूद है ये पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।